जाने मन कौन थी बता, थी वो जो भी थी कौन थी बता। गाइस ये पुरानी बातें लेके आते, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरी ये कौन है, वो कौन है, वो मेरी जिंदगी थी, मेरी लाइफ थी, उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, होप करते हैं सब ठीक होंगे। गाइस हम भी ठीक है और अभी बज चुके हैं सुबह के 9। मैंने बनाए नाश्ते के लिए पोहा, अभी तो नहाए धोए कुछ भी नहीं हूँ, बस झाड़ू निकाला है तो पोहा रेडी भी हो गया है, अब नाश्ता कर लेते हैं। गाइस मस्त राम जी ने रेडी कर दिए पूरी प्लेट। वो भी कैमरा लेके साथ में, कैमरा व्लॉगरा का कैमरा चालू ही रहता है। कैमरा लेके आएंगे। हां नमस्ते दीदी। नमस्ते हम आ चुके हैं दीदी से मिलने, दीदी से भैया से अम्मी से और मनोज से। जा रहा है तो ये ना तो छोटा सा गिफ्ट ले आए हैं इसके लिए। बहुत प्यारा लगा मेरे को देखने से भी। हां ये घर पे भी पहन सकती है और वैसे अब धूप के लिए, धूप गर्मी में धूप पड़ेगी ना, तो इसके लिए इसके साथ भी इसके मैचिंग की केप भी आ गई थी। हाँ। लगेगा मस्ती की टॉपी यही चीज बढ़िया लगी इसमें, इसलिए यही पसंद आ गई मेरे को। गाइस अंकिता जी ने चाय बना दी भाई मस्त, तो चाय पी लेते हैं। हमारे घर पे आज गेस्ट आए हुए हैं पूजा जी और पूजा जी के हस्बैंड। अंकिता जी की चाय है ना, मेहमान आते हैं ना तभी बनती है, प्यारी भी तभी लगती है, हमारे लिए तो पता नहीं कैसी बनाती है। गाइस सुबह से शाम हो गई और थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया है क्योंकि आज मुझे कुछ प्रमोशन मिला था, उस वजह से मेरे को वीडियो एडिट करनी थी फटाफट फटाफट। तो ये भैया अरिबा बीर अंकिता सब नीचे चले गए थे और नीचे जाके वीडियो भी बना के लेके आ गए, मैं तो सिर्फ एडिट किया हूँ वीडियो डाला हूँ और वापस दूसरी चाय बन गई है भैया हमारी। तो भैया सब भाभी अभी सब इंजॉय कर रहे हैं, चाय बहुत मस्त बनाई दीदी ने, एक नंबर एक। मस्त राम भैया के घर पे आए मस्त वाली चाय नहीं पिए तो मजा ही क्या, मजा ही क्या, आप समझ सकते हो चाय कितनी टेस्टी बनी हुई। आज चले परसों चले, आज चले परसों चले, ऐसे करते करते हमें ना 2 से 2.5 महीने हो गए मिलने का, ऐसे मूड बनता है ना, फिर इनका ब्लॉग देख लेते हैं, फिर आज उधर गए आज उधर गए। कैसा लगा आपको मुलाकात करके बहुत टाइम बाद में? वैसे मिल तो जाते थे हम प्रोग्राम में कहीं जाते तो, लेकिन घर पे मिलने का मजा कुछ और ही होता है। हमको भी बहुत अच्छा लगा गाइस, चाय एंजॉय करते हैं। भैया और भाभी से मिल लिए काफी टाइम तक, चाय वाय पी ली, अब खाने के लिए बोल रहे, खाना तो खा नहीं रहे लोग, कहीं ना कहीं इनको कोई और काम होगा। और अच्छा लगा भैया आप लोगों से मिलके, आते रहना। जय हो पतिदेव की, बाय बाय, गुड नाइट। गाइज हमारा ब्लॉग चल रहा है खुद का, आज तो लेट ब्लॉग डाला था मैंने शाम को 7 बजे और अंकिता जी बना रही खाना, आज बहुत टाइम बाद हमारी फेवरेट सब्जी बनी है भाई कद्दू और मिर्ची की, तो खाते हैं भाई। गुजरात में तो बहुत बनाते थे, पता है गुजरात में क्या बनाते थे, एक तो दाल, एक पालक की कड़ी अपनी फिक्स थी, हफ्ते में एक बार बनाना है, एक बार कद्दू और मिर्ची बनाना है, एक बार दाल बनानी है और अदर सब्जी जो भी, तीन सब्जी तो फिक्स थी हमारी। और आपको पता होगा मैं ब्लॉग क्यों देख रही हूँ, मैं इसलिए देख रही हूँ कि मैंने कल बोला था कि मेरे एक आइडिया अंकिता की ड्रेस आप उसको फॉलो करना, तो मैंने सोचा कि आपने उसको डाला है कि नहीं डाला, तो एक बार आपने गलती कर दी। क्या पता है क्या, ऊपर स्क्रीनशॉट लगाते इधर भूल गए ना, अब लगा दी इस वाली वीडियो में। गए जी मेरे आईडी अंकिता की ड्रेस, आप इसको भी फॉलो करना, ये मेरी ओरिजिनल आईडी, इसको फेक नहीं समझना। गाइज पापा में और मम्मी में फर्क बता रही है एमी अभी ना, पहले तो भाई मेरे हाथ में आते ही इतनी मस्त खुश हो जाती थी, आजकल 2-4 दिन से इतनी समझदार हो गई भाई, मैं इसकी समझदारी दिखाता हूँ, एक है ना इसकी मम्मी के हाथ में बिल्कुल नहीं रो रही है ना गुस्से ना, अभी मैं बात करते देखना आप ना। गाइस देख लो चुप है ना, एवी एवी डिंजा बोले मत आप, गाइस देख लो बोले मत, मैं बोल रहा हूँ ना बस चिल्ला रही है एमी, ये भगवान ना बोले तो एमी गुस्सा दिला रही है पापा को, देखो ये भगवान मत करो। देख लिया गाइस पापा में और मम्मी में इतना फर्क है, अब ये समझने लगे कि मम्मी ज्यादा सेवा करती है पापा से अपने। एमी के रोज सोने से पहले नेबुलाइजर करना पड़ता है क्योंकि इसके फेफड़े में जो खप जम गई थी ना, हम सोच रहे हैं कि भाई वो फिनिश हो जाए बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को अब जाना है टूर पे, तो एमी बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, इसलिए हमने बहुत सारी दवाई इसके लिए एक्स्ट्रा लेके आए थे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ी सी दवाई बची है, जैसे दवाई कंप्लीट होती है फिर एमए तो सो जाएगी भाई। गाइस ये मशीन छोटे बच्चे के लिए बहुत बेस्ट, मैं तो आपको भी रिक्वायर करता हूँ जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं, गांव में तो वैसे कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी निमोनिया इसलिए बनता है कि बच्चे के सीने में जब खप जम जाती है ना तो उससे इन्फेक्शन होके फेफड़ों में और निमोनिया बनता है, तो हम तो बच गए भाई निमोनिया बनने से एमी का, क्योंकि ये मशीन में जल्दी लेके आ गया था और फटाफट से इसको नेबुलाइजर कर दिया। गाइस गांव में पता है क्या होता है कि ऐसे मशीनें यूज कोई करता नहीं है और फिर छोटे बच्चों को है ना निमोनिया बन जाता है, निमोनिया में कितनी तकलीफ होती है, कितने पैसे लगते हैं तो आप सबको पता है, 1000-1200 रुपए की मशीन आती है और 100-200 रुपए की दवाई आती है, घर पे नेबुलाइजर कर लो तो कम से कम खप भी मिट जाती है, खांसी मिट जाती है और टेंशन नहीं रहती, सांस वास भी अच्छा आता है बच्चों को, नाक खुल जाते हैं सर्दी में। गाइज हमारी एमी सो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 1 मिनट कम है,
और आज इसने मेरे को पीछे बैठा लिया कि रोज रोज मैं ही ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज तू भी बैठ मेरे पीछे। मगर ठीक है भैया, बैठना तो पड़ेगा। और अभी गाना भी सुना रही थी मेरे को कि लोकेशन अपने ही देते है रे। मुझे क्या पता आप जबरदस्ती वो तो इस पे आ रहा था। किस पे? मतलब रील्स डाली थी मैंने। कौन सा था गाना था, एक बार गाते थोड़ा। आप सिंगर हो भाई, मैं थोड़ी ना सिंगर। मेरे को याद तो ला लिरिक्स क्या थे, लार बेट वाला लोकेशन दीजिए। मैंने गाई किशन जो है बेटे बड़ा ऐसे करी थी ना। कुछ भी फेंकते हो। नहीं सही में फेंक नहीं रहा, सही बता रहा हूँ। मुझे क्या गाना है गाइस, थोड़ा सा गाना तो हो जाए इसका, मुझे थोड़ा सा हो जाए वो वाला गुजरात वाला मम्मी वाला ए मेरी माँ। सिंगर मैं सिंगर हूँ लेकिन मैं एक फॉर्मेलिटी सिंगर जिसकी ना आवाज में कोई दम ना कोई राइमिंग, फिर गाना भी नहीं चाहिए ना। मैंने गालियां, मैंने शौक थे मेरे जाने मन के लिए, मैंने गालियां उस टाइम पे। अब मैं ये बता रहा हूँ, जाने मन कौन थी बता, थी वो जो भी थी, कौन थी बता, थी यार वो उस टाइम पे थी मेरी कोई एप्पल जाने मन। मेरी बात सुन तू ना, अरे एप्पल 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 पूरे दिन, मतलब पूरे गानों में भी एप्पल कौन है बता, है कोई मेरी आज बता दो। गाय जी पुरानी बात लेके आते, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरी ये कौन है वो कौन है, थी यार पहले का जमाना था मेरा अलग। पर कौन थी एप्पल, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरी एप्पल थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी लाइफ थी, उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए। अब ये पूछे कि कौन है क्या है तो पुराना जमाना याद करे तो कोई फायदा नहीं है। काफी सारे कमेंट भी आते हैं कि भाई एप्पल कौन है, आप है एप्पल एक बड़ा सा मुंडा है। ये गाड़ी जी एप्पल का रुमाल है। ये रुमाल जो भी है काम लिया जा रहा है। गाय जी कब से चल रहा है इसके भी बता देते हैं। और ये है गाय जी 5 रुपए का, और इसको अंकिता यहाँ पे लगा लेती है मेरी एप्पल का रुमाल। और मेरी एप्पल का रुमाल अभी ये एमए के ऊपर यूज कर रही है। क्या ही करूँ, कल इसके लिए बहुत सारे इनके और लाने वाली थी पर वो भूल गए। अरे पता नहीं यार, हाँ बाजार में जाते ना कुछ न कुछ भूल के आते, और जो नई लाना होता है ना वो चीजें याद आती। अब कल है ना टूर के सारे सामान जमा लेना सारे कल के दिन में, ताकि अपन परसों के दिन तक जो भी चीज भूले वो याद आ जाए, नहीं तो रह जाएगी कोई ना कोई देख लेना। रह जाती है, हमेशा रह जाती है, ऐसा ही होता है। कल ना सुबह उठूंगी ना तब से खाना वाना खा के पैकिंग में ही लगना है पूरा दिन, एमए की दवाइयाँ, हमारी दवाइयाँ, जो भी नहाने धोने के सामान, कपड़े वगैरह, खाना पीना, डॉक्यूमेंट सब कुछ रखना है, सब कुछ। जाने जाने का टिकट कंफर्म कर दिया, ये तू बता रामेश्वरम भी चलना है क्या, तो उधर का टिकट का मैं सोचू, वरना फिर आने का टिकट का प्लान करने दे, वरना फिर टिकट नहीं मिलेगा आने का, ध्यान रखना इस चीज का। आते समय ना इतना लंबा समय तक बैठी नहीं आ सकती तू। लेकिन यार कैसे बता दूं, मतलब मन भी है, हम इतना पास जा रहे हैं रामेश्वर के कि मन कर रहा है कि भाई वहां पे भी चल के आए, क्योंकि मन है, मतलब 4 धाम है ना, उनमें से 1 धाम है वो यार, तो वहां का फिर बाद में ट्राई कर लेंगे। अभी तिरुपति बालाजी जा रहे तो वही कर लेते हैं। अब देखो ये तो एमए पे डिपेंड करता है, अगर ये ठीक रही सही रही तो जाने का पूरा मन है मेरा। हाँ तो मैं टिकट तो आने का करवा देता हूँ ना, अगर ऐसा हुआ कि चलना है उधर तो कैंसिल कर देंगे, 100-200 रुपए कटेंगे तो कट जाएंगे ज्यादा, लेकिन टिकट तो रहेगा अपने पास। अभी अब फिर भी वेटिंग में मिलेगा, अपन अभी टिकट किनेंगे ना तो भी वेटिंग में आएगा गाइस। हाँ 15 दिन पहले का भी वेटिंग में आता है, पर मिल जाता है, पर वो नहीं मिल नहीं जाता कुछ भी, अभी वेटिंग में आएगा। देखना मेरे को ट्रेन भी देखनी पड़ेगी, कितने तारीख को ट्रेन मिल रही है आने वाली, देखते हैं, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। चल तो गीत तो सुना दे। गाइस इतनी प्यारी आवाज इसकी, हकीकत बता रहा हूँ मैं, कागल तो कहीं फिट नहीं है, सुंदर आवाज। अब आप ही कर लो थोड़ी देर बाद। नहीं यार मैं और काय काम थोड़ा सा खुद वाला डाक जाऊ पर गाना से मैंने यह कर 10 मिनट चल थोड़ा डांस करके बताएगी, मैं गाना चला दूं। डांस में नहीं, हे भगवान नाचना गाना दोनों। अगर इसकी जिंदगी में इससे कोई चीज करवाए ना कि तू गा के बता दे और डांस करके बता दे, ये इसकी लाइफ में कभी हार नहीं करेगी। तो गाइस कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था क्योंकि ये बोल रही थी कि मेरी कमजोरी चीज कोई नहीं पता ना। फालतू बता दे गाइस, अब इसको बोल रहा हूँ गीत गा के बता दे, तो गीत गाने में जोर आ रहा है मेरे को आता है नहीं है। तो फिर तू क्यों बोल रही कि मेरा ब्लॉग में से मत बोले यार, मेरी इज्जत खराब हो रही है। कसिया भी कर बस बेइज्जती करने रही है, तो बेइज्जती वाली बात नहीं है कुछ। गाना था कौन सा, वो मेरी माँ, वो कौन सा था? वो सुंदर गीत था यार अंकिता, ये बात तो कहना पड़ेगा। क्या गीत, अब माँ कसम मेरे को अभी भी याद है वो गीत। अब इसको मैं वो पुरानी याद दिला रहा हूँ कि तू कितना सुंदर गीत गाती है, उसमें भी ये रो रही है यार, हर चीज में रोती है। चलो गाइस ब्लॉग का एंड करते हैं, ये भाई अलग ही तरीके की लुगाई है, इसका क्या ही बताए। इसको गीत गाने के लिए या किसी भी चीज के लिए बोल देना भाई नाराज हो जाती है। काय को हर चीज पब्लिक में शेयर करो, हर चीज तड़को मुंह मारू मुझे कर दीजिए, फिर दूसरे के साथ बनाए जाए तो वो तो है, पर उसको बोलूंगा मैं कि देख अंकिता होती थी ऐसे बता लेवा दिल। गाइज मेरी 1% गलती बता दो आप, इसी ने बोला ना कि मैं मर जाऊंगी,
फिर इसी ने बोला तेरे दो लोग आ जाएगी, इसी ने बोला देख कतरोना जी, अब आप बताओ मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है आप बता दो भाई। मस्तराम जी तेरी ये गलती है, बता भाई मेरी क्या गलती है? आपके बताऊँ गलती? आप ये नहीं बोल सकते कि पागल है क्या, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, क्यों मरेगी तू तो? चलो गाइस बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आज की मस्ती यही खत्म, कल पूरी पैकिंग होके निकल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले और आप देखे। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।